आपके अपने आपका स्वागत है। आपका आज कक्षा 12वीं का अंग्रेजी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है और लगातार मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ। स्लिक पार्ट एक पार्ट दो सब आ चुका है आपका इंग्लिश का। ओके तो मैंने आपको ग्रामर संबंधी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी आपको बता दिए पार्ट एक में। ओके फिल इन द ब्लैंक्स और भी आपके जो रह जाते हैं मैं क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर दूंगा। ओके साथ ही आपका इस वीडियो में कंप्लीट रिवीजन करा दूंगा, कौन कौन से आपके क्वेश्चन तैयार करने चाहिए। ओके और कौन कौन से ड्यूएल्स डायरेक्ट किस प्रकार से आपके रहेंगे मैं आपको सब बता दूंगा, इन सबको आप सबसे पहले तैयार कर लीजिएगा। ओके तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स बता देता हूँ, मैंने आपको नहीं बताए थे किस प्रकार से आपको तैयार करने हैं, देख लीजिएगा। ओके और तैयार कर लीजिएगा। ओके तो पहला इसे फिल इन द ब्लैंक्स में देख लेते हैं। थॉट ही इज रिच, ओके डेस ही इज सैड, ओके तो इसमें आना चाहिए बट। ओके तो इसके शॉर्ट आप ले लीजिए। ओके और बाकी आप क्लियर भी कर लीजिएगा अपने से भी। ओके क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों अब नेक्स्ट है हिज ब्रदर इज गुड डेस मैथामेटिक्स, ओके उसका भाई क्या अच्छा है किसमें मैथामेटिक्स में, तो इन मैथामेटिक्स में। ओके ओके जाएगा आपका। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है वी डेस टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, ओके तो हमें क्या है बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो ये क्या है ये जरूरी है तो मस्ट हो जाएगा। ओके तो इसमें मस्ट आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ही इज आरजी, तो इसका राइट आंसर होगा आरजी। ओके नेक्स्ट देखिए ए अंदर से भरना है तो ए आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है विल यू लेंड मी डेस मनी प्लीज, तो इसका हो जाएगा आपका एनी। ओके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको रेगिस्तान में नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स में ही कैन राइट विथ बोथ हैंड, दोनों हाथों से, मतलब इस प्रकार से आपको बोथ आना चाहिए। फिर ड्यूएस डायरेक्टर देख लेते हैं। ड्यूएस डायरेक्टर में जैसे अपना है सी ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, ओके वह क्या है मतलब वह क्या है प्रत्येक दिन समय पर आता है। ओके इसका निगेटिव बनाना है तो आप इसका निगेटिव बना सकते थे सी डज नॉट कम ऑन टाइम, इस प्रकार से बना सकते हैं। लेकिन इसमें आपको अर्थ चेंज ना हो, इस प्रकार से अगर बनाना है तो आपको लिखना है यहाँ आपका सी इज नेवर लेट। ओके ये आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है ही डिड नॉट टीच इंग्लिश ही डिड नॉट टीच मैथमेटिक्स, ओके इसका नाइदर नॉर आपको बनाना है, तो नाइदर नॉर किस प्रकार से होगा ही डिड नाइदर टीच इंग्लिश नॉर मैथमेटिक्स, ओके हो जाता कंप्लीट। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है द बॉय सेड टू मी आई नो यू, ओके इसका आपको क्या है आपको आपको इनडायरेक्ट स्पीच करनी होगी, तो जाएगा द बॉय टोल्ड मी दैट ही न्यू मी, ओके इस प्रकार से हो जाता है, इसी सोड़ा आप ले सकते हैं। ओके तो इस प्रकार से इस टाइप की आपको तरी तैयार कर लेना, मतलब आपको देखिए मैंने सब दिया आपका निगेटिव के लिए चेंज करने आता है, इंटोगेटिव के लिए, नाइदर नॉर के लिए भी आता है आपका, और आपको क्या है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के लिए आता है, फिर आपको वॉइस चेंज करने के लिए आता है। ओके एज सून का नो सूनर देन का प्रयोग आते हैं, ये सब आपको इन सबके टॉपिक से आप क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। ओके नेक्स्ट है आई हैव नॉट डन इट, ओके इसका आपको क्या है पैसिव वॉइस बनाना है, तो इसका हो जाएगा आपका इट हैज नॉट बीन डन बाय मी, ओके आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है नो सूनर डिड द सनराइज देन द फॉग डिस्पियर्स, ओके तो एज सून एज का प्रयोग करना है। ओके हो जाएगा एज सून एज द सन रोज द फॉग डिस्पियर्स, इस प्रकार से हो जाएगा। बाकी कुछ हो सकता है बड़ी मिस्टेक हो तो आप एक बार थोड़ा अपने से चेक कर लिए क्वेश्चन आपको देख लीजिएगा। ओके तो इस प्रकार से मैंने आपको कहा है डूएस डायरेक्टेड और बता दिए फिल इन द ब्लैंक्स बता दिए। ओके आगे देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट पहले बता चुका हूँ, तो आपको क्या है किसका तैयार कर लेना, हाउस होल्ड थिंग्स का एडवर्टाइजमेंट आपको तैयार कर लेना है, किस प्रकार से आपको बनाना है। ओके मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, सेकंड जो पार्ट आया था जिसमें मैंने आपको बताया किस प्रकार से बॉस बना लेना, एडवर्टाइजमेंट लिख देना है फॉर सेल हाउस होल्ड थिंग्स, ओके हाउस होल्ड में घरेलू वस्तुएं जो जो बेचना है वो आपको नाम लिख देना, फ्रिज कूलर टीवी ये सब उसका कंपनी का नाम, फिर आपको लिखना ऑल थिंग्स आर बेटर कंडीशन और इज गोइंग टू अब्रोड कॉन्टैक्ट नंबर, उस प्रकार से आपका हाउस होल्ड थिंग्स का आपका एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार अगर हाउस का है तो हाउस को मैंने आपको बताया था। ओके चलिए आगे देख लेते हैं। अगर आपको अगर पोस्टर मेकिंग के लिए आता है तो आपका ड्रग्स वाला पोस्टर मेकिंग अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स, तो किस प्रकार से आपको बनाना है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके से नो टू ड्रग्स के ऊपर आपको किस प्रकार से बनाना है मैंने आपको पहले पार्ट दो में समझाया भी है, तो आप उनकी वीडियो जाकर देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको बनाना है अगर आपको क्या अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स का आपका पोस्टर आता है। ओके चलिए आगे देख लेते हैं। अब ऐसे में देख लेते हैं, ऐसे में आपको ऐसे मतलब आर्टिकल राइटिंग में आप देख लेते हैं द वैल्यू ऑफ गेम का तैयार कर सकते हैं आप, इस प्रकार से आपको लिखना है। बाकी मैंने आपको सॉल्यूशन क्या है टाइम पर शेयर भी किया था तो आप देख ले सकते हैं। ओके मैं फास्ट ही आपका लास्ट वीडियो फास्ट ही में आपको क्या है कुछ ही समय बचा है 3 से 4 घंटे तैयार आपको करना है, जो आपने छूटा है कुछ भी तो आप छोड़िएगा नहीं, सब तैयार कर लीजिएगा। ओके ये आपका दिया हुआ है स्क्रीनशॉट आप फास्ट ही ले लीजिए। मैं फास्ट ही आपको सभी टॉपिक का रिवीजन करा दे रहा हूँ। ओके ये आपका आपको जाता है आपका आर्टिकल राइटिंग। ओके आगे हम देख लेते हैं एक्सट्रैक्ट आपके मतलब जो क्या है पैसेज आया करते थे। ओके बुक से संबंधित आपके पहले आपका आएगा फ्लेमिंगो फोर्स सेक्शन से। ओके तो फोर्स में आपको कौन कौन से तैयार करना है तो देख लीजिए। ओके तो इसमें आप तैयार कर सकते हैं ये वाला आप स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। ओके जैसे इसमें क्या है इसमें आपका ये पूरा दिया हुआ है तो आपके पोर्स से ही आपको जो आपका थर्ड लेसन है डी वाटर उससे आपका ये पैसे लिया गया है। ओके यहाँ आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूल एट YMCA पूल इस बार दिया हुआ है तो
आपको पढ़ने से आपको समझ में आएगा कि इस कहां से लिया गया। ओके क्वेश्चन इसमें देखे जैसे इसमें है हु आई इज अवॉर्ड लाइन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका विलियम डॉगलस। ओके क्योंकि विलियम डॉगलस की ऊपर कहानी है और उन्हीं ने लिखा है ये चैप्टर। ओके नेक्स्ट है व्हाट डज द वर्ड टिचर्स मींस, ओके तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर का हो जाएगा। ओके फिर नेक्स्ट है हाउ वाज YMCA बाय MCA पूल सफर, ओके तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर का, फॉर इट हैड सोड वाटर टू लर्न स्विमिंग। ओके फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है व्हाट डज द स्पीकर मींस आई सबवेड माय प्राइड, ओके तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर का और प्राइस आउट ऑफ कंट्रोल। ओके इस प्रकार से आपको पूरी प्रैक्टिस कर लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगर हम पोएट्री के सेक्शन में बात करें तो पोएट्री से भी आपका आता है। ओके तो इसमें आप तैयार कर सकते हैं इसका, जैसे आपका है नाउ विल काउंट टू 12 एंड वी ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, ये वाला आपका दिया हुआ है, इसका आप प्रैक्टिस जैसे कर सकते हैं। तो उसमें क्या है द पोएम फ्रॉम विच हैज अवन टेकन, ये किससे ली गई है तो हमें पता है कि ये कहाँ से ली गई है, अपने ली गई है ये अपना पोएम कहाँ से ली गई है आपके कीपिंग क्वाइट से। ओके कीपिंग क्वाइट मतलब सी नंबर के सर राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है हु इज द पोएट ऑफ कीपिंग क्वाइट, ओके कीपिंग क्वाइट में जो पोएट पोएम है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप पेब्रो नेरुडा। ओके और इसी में आंसर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है नाम आपका, इसी से आप ले सकते हो। फिर आपके तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट डज द पोएट वांट अदर्स टू डू, तो ये आपका दिया है। फिर नेक्स्ट है व्हाई शुड वी कीप अकॉर्डिंग टू द पोएम, ओके तो इसका सॉल्यूशन आपके ये आपके दिए है क्वेश्चन तैयार के, चार चार आपको तैयार कर लेना, उसी से ले लीजिए। फिर हम देख लेते हैं आपकी जो सप्लीमेंट्री आपकी रीडर बुक है मतलब जो अलग से चलती है बिस्टास, इससे देख लेते हैं कौन सा आपको तैयार करना चाहिए, जिसमें आप तैयार कर सकते हैं क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर ग्रू ट्रेलर, तो इससे देख लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से है हाउ वाज द टाइगर किंग ब्रॉट अप। ओके तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा नॉन, इसमें आपका होगा ओके तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं, इसमें आप देख लीजिए चेक कर लीजिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज ननी, ननी कौन होती है, नर्स होती है कि ये आपका दिया हुआ इसमें, तो इसके अनुसार ये है, फिर भी आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट एड व्हाट इज ही हेड एंड थ्रो, तो इसका हुआ 20 इयर्स, ओके क्योंकि इसी में लिखा हुआ है आपका 20 इयर्स। ओके वैसे चीज आपको सब इसके आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द कोट ऑफ वार्ड्स, ओके तो इसका भी आप देख लीजिए, ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप फास्ट ले लीजिए। ओके ये चार है, चारों क्वेश्चन आप तैयार कर लिया, अब इनके आंसर में ना जाइए क्योंकि इसमें गलत भी होते हैं आपके। ओके तो आप इसके आंसर स्वयं ढूंढ के आप तैयार कर लीजिएगा इस प्रकार से आपको, और इसी में आपको मिल जाएंगे जैसे इसका आपका 20 इयर्स है। ओके तो इसी में दिया हुआ है, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते, ओके आप क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम, क्वेश्चन आंसर आपको कौन कौन से आपको रिविजन कर लेना है एक बार, जैसे आपको तैयार कर लेना है आपको व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, मैं आपको बता चुका हूँ उसका सॉल्यूशन आपका ही दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट ही से, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, आपके शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है। ओके फिर आगे देख लेते हैं, आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है, ये दोस्तों आपको डीप वाटर वाले चैप्टर तैयार कर लेना है। सबसे पहले जो मैं आपको बता चुका हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द मिसएडवांटेज दैट विलियम डॉगलस स्पीकर, जो विलियम डॉगलस स्पीकर है मतलब लेखक है उनके साथ क्या घटना हुई वो आपको बताना है। मैं आपको बता चुका हूँ जब 11 साल के थे, ओके तो स्विमिंग YMCA स्विमिंग पूल में गए थे मतलब सीखने के लिए, लेकिन एक सुबह की बात है कि क्या है एक हट्टा कट्टा व्यक्ति आया और कमजोर से डॉगलस को उठाता है और उन्हें क्या है पूल में फेंक देता है, ओके फेंक देता है और फिर जिससे क्या है डॉगलस डूब जाती, ये घटना घटी और ये लिखा हुआ सॉल्यूशन तैयार कर लीजिएगा। ओके चलिए आगे देख लेते हैं, आगे दोस्तों आप नेक्स्ट तैयार कर सकते हैं आप ये वाला, सबसे पहले तैयार कर लेना आपको इसका। ओके दैट टाइप से फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आईडिया वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप, ओके ये आईडिया कहां से मिला पेडलर को फेरी वाले को कि एक दुनिया भी क्या है चूहे दानी की तरह। ओके तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है, द पेडलर हैड बीन थिंकिंग ऑन हिज स्टेप रैट ट्रैप व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आईडिया दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम वाज नथिंग बट अ रैट ट्रैप, ओके जब वो अपने चूहे दानी के बारे में सोच रहा था तो जिस प्रकार चूहा चूहे दानी फंस जाता है इस प्रकार दुनिया भी मोह माया में फंसी हुई है, इस प्रकार उसे लगा कि ये भी क्या है दुनिया भी एक क्या है रैट ट्रैप की तरह। ओके तो हो जाता, चलिए आगे देख लेते हैं, आपको तैयार कर लेना है ये आपका नेक्स्ट आपको तैयार करना है, व्हाई डिड गांधी एग्री टू सेटलमेंट और 25% रिफंड टू द फार्मर, ओके तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है कि गांधी जी सहमत क्यों हो गए कि 25% क्या है किसानों का रिफंड कर दिया जाए, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, रट लीजिएगा नहीं रटा है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जिन छात्रों ने पहले तैयारी करी होगी तो उनकी तो क्या है तबाही मचा देंगे, लेकिन अभी भी एक मौका है तैयार कर लीजिएगा, टाइम है आपके पास 2 से 3 घंटे आपके पर्याप्त होंगे 3 से 4 घंटे तैयार अच्छे से कर लीजिए, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आप देख लेते हैं, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है, नेक्स्ट आप तैयार करना है आपको, नेक्स्ट आपको तैयार करना है इंटरव्यू वाले चैप्टर से कि व्हाट इज द बिलीव इन सम प्राइमेटिव कल्चर अबाउट बींग फोटोग्राफ, मतलब जो क्या है पुराने समय के लोग हैं, ओके प्राचीनतम लोग मतलब वो क्या है फोटोग्राफ मतलब फोटो खींचने के बारे में उनके क्या विचार, ओके
इनके क्या विचार हैं? द सम प्राइवेट कल्चर ब्रीफ दैट इफ यू आर फोटोग्राफ्ड योर सोल इज स्टोन, यदि हम क्या है आपकी फोटो खींच लेता हूँ तो आपकी आत्मा चोरी हो जाती है, आत्मा कोई फोटो में ले जाता है, इस प्रकार से मतलब मानते हैं लोगों के। तो ये आपका दिया है स्क्रीनशॉट, लिए दो लाइन का है और आपके क्या दो नंबर का आएगा, तो पक्का दो नंबर कर पाएंगे। तैयार कर लीजिएगा, कंप्लीट हुआ था, चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, उसके अलावा आपको तैयार करना है व्हाट आर सम ऑफ पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यू, स्क्रीनशॉट फास्टली लीजिए। ओके, कि इंटरव्यू को सकारात्मक विचार क्या है, तो ये आपका दिया है, क्योंकि इससे क्या है, इससे आप समकालीन लोग के बारे में जान सकते हैं। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट फास्टली लीजिए। आगे देख लेते हैं, आपके और दो के एक-आध दो क्वेश्चन और रह गए हैं, तो वो भी आपको बता देता हूं। जैसे आपको ये तैयार से बात कर लेना है, लॉन्ग में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज बेज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2022 बोर्ड एग्जाम में आया था। ओके, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि जो क्या है, जो पेडलर है फेरी वाला है, वो चोरी करने का काम करता था, लेकिन उसने क्या चोरी करना क्यों छोड़ दिया, उसके जैसे परिवर्तन क्यों हुआ हो गया, उसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आगे देख लेते हैं, इसका आपका सॉल्यूशन, तो ये आपका दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है व्हाई वाज डॉगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। ओके, ये आपको तैयार कर लेना है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है। ओके, इसके बाद अब नेक्स्ट आपको तैयार करना है हाउ डिड डॉगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, बहुत आर इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये आपका दिया हुआ है। ओके, कंप्लीट हो जाता है, चलिए आगे देख लेते हैं। पोएट्री सेक्शन में आपको तैयार कर लेना है व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड अच्छे दैट द पोएट फील्स, का सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, तैयार अच्छे से आपको कर लेना है। ओके, कंप्लीट हो जाता है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको कौन सा क्वेश्चन तैयार करना चाहिए। ओके, दोस्तों आपको तैयार कर लेना है आपके कीपिंग क्वाइट से, आपका सेकंड नंबर का व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफरेंस टू इन द पोएम। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट दोस्तों आप इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ओके, और अगर आपको अदर याद है तो अदर आप याद करके रखिएगा। ओके, और नहीं है तो आप ये भी याद कर सकते हो। ओके, कंप्लीट हो जाता है, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको क्या है, अगर आपके पोएट्री से लॉन्ग में आता है तो आपके अक्सर क्या है सेंट्रल आईडी आता है, कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आईडी तैयार कर लीजिएगा और द थिंक ऑफ ब्यूटी का आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये आई थिंक यू ब्यूटी के हाई चांस है, क्योंकि अभी थोड़ा लास्ट चैप्टर हो गया, तो हाफ ईयरली में आपका लास्ट आएगा, क्योंकि अभी आपका क्वार्टरली में कोई कीपिंग क्वाइट आ सकता है। ओके, तो ये आपका आ सकता है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फास्ट ही आपका दिया है आपका आई थिंक ऑफ ब्यूटी, क्योंकि अभी नहीं आया। ओके, तो इसका हाई चांस से तैयार कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, इसका भी क्या है, फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है, इससे आप कर सकते हैं अपनी विस्तार से कि हाउ डज डेरी गेट हिज फेस बर्न। ओके, इसी सोर्ट इसका आप क्या है, फास्ट ले लीजिए। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको कहा है, जितने भी मेरे टॉपिक थे आपके, मैंने आपको सभी क्या है इंपॉर्टेंट के बना दिए हैं, सभी मैंने जो बताए सभी तैयार कर लीजिएगा। ओके, आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई, लाइक करिएगा, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स से आप जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।